नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थोरिया। चक्रवात थम चुके हैं, लेकिन अब उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है। राजधानी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में दिन के समय अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच रहा है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पूर्व और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में 30 से 31 मई तक मानसून दस्तक दे सकता है। राजधानी दिल्ली के तापमान की बात करें तो शनिवार को आसमान में बादलों की आवाजाही के बीच तेज हवाएं चलने की संभावना है, लेकिन गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद अभी नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की वजह से 31 मई और 1 जून को दिल्ली में हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। तेलंगाना के भी कुछ हिस्सों और दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत हल्की बारिश यानी बूंदाबांदी होने की संभावना है, जबकि राजस्थान में लू का सिलसिला जारी रहेगा। बिहार की बात करें तो यहाँ चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव के चलते पिछले 2 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं रिहायशी इलाकों में भी सड़कों पर बारिश का पानी लबालब देखने को मिला है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भी बारिश का पानी घुस गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।